बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आज हम आपके लिए लेके आए ठंडी ठंडी सी यमी सी वनीला आइसक्रीम की रेसिपी, जिसके लिए ना ही कंडेंस मिल्क हम इसके अंदर डालेंगे और ना ही कोई आर्टिफिशियल फ्लेवर या फिर कुछ आर्टिफिशियल इसके अंदर केमिकल वगैरह। बहुत ही यमी सी ये रेसिपी है। गर्मियों के मौसम में वैसे भी ठंडी ठंडी चीज़ें खाने को दिल चाहता है, तो इस रेसिपी को हम बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले तो पैन के अंदर हमने डाल दिया है 1 कप दूध, और इसके अंदर डालेंगे 1 कप ये चीनी। फ्लेम को हमने इस वक्त करा हुआ है हाई। दूध में जब तक बॉयल नहीं आ जाता है, इतनी देर तक फ्लेम को हम हाई रखेंगे। जब चीनी हमारी मेल्ट हो जाएगी, दूध के अंदर बॉयल आ जाएगा, तो फिर हम इसके अंदर डालेंगे कॉर्न स्टार्च। तो ये 1/2 कप दूध के अंदर हमने डाल दिया है ये 2 खाने के चम्मच कॉर्न स्टार्च। और इसके अंदर डालेंगे हम ये पाउडर मिल्क। मिल्क पाउडर हमने ले लिया है 2 खाने के चम्मच, और ये कॉर्न स्टार्च और दूध को अच्छे तरीके से मिला लेंगे। ये जो हमने 1/2 कप दूध लिया है, इसके अंदर बिल्कुल मिक्स कर लेना है। इसके अंदर गुठलियाँ वगैरह बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। इसको मिक्स करने के बाद अब ये जो दूध हमारा बॉयल हो चुका है, इसके अंदर हम डाल देते हैं दोनों चीज़ों को, और फिर स्पैचुला को चलाते हैं ताकि दूध के अंदर भी इसकी गुठलियाँ नहीं बने। फ्लेम को इस वक्त हमने कर दिया था बिल्कुल लो। अब इसको मिक्स करते जाएंगे और फ्लेम को कर देंगे इस वक्त मीडियम, जब तक कि ये दूध जो है गाढ़ा नहीं हो जाता है। इतनी देर तक हम इसको मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे। देखें, दूध जो है गाढ़ा हो चुका है। बस अब हम इसको एक साइड पे रखते हैं और एक बॉल के अंदर ले लेते हैं 1 कप के करीब ये व्हिप क्रीम। इसको करते हैं इलेक्ट्रिक बीटर से अच्छे तरीके से बीट, ताकि ये फूल जाए अच्छे तरीके से, फ्लफी सी हो जाए ये। क्योंकि जितनी ज़्यादा ये फूलेगी वनीला आइसक्रीम, उतनी ही ज़्यादा सॉफ्ट बनेगी। तो बहुत अच्छे तरीके से इसको बीट कर लेना है। अगर आपके पास बीटर नहीं हो तो आप हैंड बीटर से भी इसको बीट कर सकते हैं, या फिर ग्राइंडर के जग के अंदर डाल के इसको ग्राइंड कर सकते हैं। इस तरह से भी ये क्रीम जो है फूल जाएगी अच्छे तरीके से। तो तकरीबन 5 से 7 मिनट तक हमने इसको बीट किया था हाई स्पीड पर। अच्छे तरीके से क्रीम जो है हमारी बीट हो चुकी है, और जो दूध का बैटर हमने तैयार करके रखा हुआ था वो भी बिल्कुल ठंडा हो चुका है। तो अब उस बैटर को इस क्रीम के अंदर डालना है, और फिर दोनों चीज़ों को भी अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। देखें, ये जो हमने बैटर तैयार करके रखा था दूध का, जम चुका है ये। इसके अंदर हमने कॉर्न स्टार्च डाला था, इसलिए ये अच्छे तरीके से जम गया है। अगर आप कॉर्न स्टार्च नहीं डालना चाहें तो इसके अंदर कस्टर्ड पाउडर भी डाल सकते हैं। वनीला फ्लेवर का कस्टर्ड पाउडर इसके अंदर डाल दें। अब ये जो क्रीम हमने बीट करके रखी हुई थी, इसके अंदर इस बैटर को डाल देना है, और फिर इन दोनों चीज़ों को भी अच्छे तरीके से बीट कर लेना है। बहुत ही यमी सी, बच्चों बड़ों सबके ही पसंदीदा वनीला आइसक्रीम है ये। गर्मी के सीज़न में वैसे भी दिल चाहता है तरह तरह की आइसक्रीम, कुल्फियाँ और शेक और जूसेस वगैरह पिए जाएँ। तो गर्मी में इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई कीजिए, क्योंकि बहुत ही जल्दी बन जाने वाली रेसिपी है ये, और बहुत ही ज़्यादा लो कॉस्ट है। घर में मौजूद चीज़ों से आसानी आप ये वनीला आइसक्रीम बना सकते हैं। तो इस मज़ेदार सी रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। और अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आ रही है, और आप हमारे चैनल पर नए भी हैं, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं किया है, तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। अब इसके अंदर हमने डाल दिए हैं 3 कतरे वनीला एसेंस के, और थोड़ा सा हमने डाला है इसके अंदर येलो फूड कलर, ताकि आइसक्रीम में अच्छा सा कलर आ जाए। देखें, लाइट येलो कलर हो गया इसका। अच्छे तरीके से इन दोनों चीज़ों को मिक्स कर दिया है। अब हम इसको शिफ्ट कर देते हैं अपने आइसक्रीम मोल्ड के अंदर। अगर आपके पास कोई प्लास्टिक का कंटेनर हो, प्लास्टिक का बॉक्स वगैरह हो एयर टाइट, तो उसके अंदर भी आप इसको जमा सकते हैं। अच्छे तरीके से इसको मिक्स करने के बाद अब आइसक्रीम के मोल्ड के अंदर हम इसको डाल देते हैं। तो बहुत ही यमी सी हमारी ये वनीला आइसक्रीम जो है रेडी हो रही है। बस इसको इसके अंदर डालेंगे, फिर इसको प्लास्टिक शीट से कवर करेंगे, ताकि इसके अंदर बर्फ़ वगैरह नहीं जमे, और ये आइसक्रीम जो है हमारी बिल्कुल सॉफ्ट सी बने। और इसको फिर हम रख देंगे फ्रीज़र में 8 से 10 घंटे के लिए। अगर पूरी रात के लिए रखें तो बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा इससे, बहुत अच्छे तरीके से ये जम जाएगी। इसको प्रेस कर देते हैं ताकि इसके अंदर बबल्स वगैरह नहीं बने, और ये सही तरीके से जम जाए। अब ऊपर से इसके प्लास्टिक शीट लगा देते हैं, और फिर इसको फ्रीज़र में रख देते हैं जमने के लिए। तो बहुत ही यमी सी हमारी ये वनीला आइसक्रीम जो है रेडी हो जाएगी जमने के बाद, जो कि बच्चे बड़े सभी बहुत ज़्यादा शौक से खाते हैं। तो अगर आप इस रेसिपी को ट्राई करेंगे तो फिर बाज़ार से आइसक्रीम लाना भूल जाएंगे। इतनी जल्दी और इतनी मज़ेदार सी और लो कॉस्ट सी हमारी ये रेसिपी तैयार हो जाएगी। तो फिर अगर आपको ये रेसिपी पसंद आ रही है, तो आप हमारे चैनल पर ज़रूर विज़िट कीजिए। वहाँ से आपको मज़ीद मज़ेदार सी यमी सी आइसक्रीम की रेसिपी देखने को मिल सकती हैं।
देखें 10 घंटे के बाद ये आइसक्रीम हमारी जम चुकी है। अब इसको हम प्लेट में निकाल लेते हैं। हमने पानी से हल्का सा इसको नीचे से गीला कर लिया था ताकि ये आसानी के साथ निकल आए। देखें कितनी जल्दी ये निकल आई है। अब इसको कट कर लेते हैं और फिर इसको सर्व करते हैं। बहुत ही यमी सी, कूल कूल सी, ठंडी ठंडी सी हमारी ये वनीला आइसक्रीम जो है रेडी हो चुकी है। तो इस मज़ेदार सी यमी सी आइसक्रीम की रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा कि आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी। और अगर मज़ीद मज़ेदार यमी सी रेसिपीज को ट्राई करना चाहते हैं, इंजॉय करना चाहते हैं, तो हमारे यूट्यूब चैनल पर ज़रूर विज़िट कीजिए। देखिए इसको हम टेस्ट करके बताते हैं आपको कि कैसी बनी है ये। वाइस देखें कितनी खूबसूरत लग रही है और बहुत ही ज़्यादा यमी बनी है, बहुत ही मज़ेदार सी। तो ट्राई ज़रूर कीजिए। कमेंट बॉक्स में हमें बताइए कि आइसक्रीम की रेसिपी आपको कैसी लगी। अब हमें इजाज़त दें, अपना ख्याल रखें, अपने से जुड़े लोगों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।